YouTube चैनल धीरज और माई सीसी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास एर्थ एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। अब आपको कहना है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है साधारण वक्र। तो आपको बताना है इसमें साधारण वक्र कौन कौन सा है। अब साधारण वक्र क्या होता है, जो कोई रेखा अगर सीधी ना होकर, ठीक, इस प्रकार से या किसी प्रकार से हो, ये तो ये वक्र रेखा होती है। जरूरी नहीं कि वो मिली हो या ना मिली हो, क्या वक्र रेखा होती है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर पूछा है साधारण वक्र। तो देखिए, ये रेखा, ये साधारण वक्र है और ये भी साधारण वक्र है और ये साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र है और ये साधारण वक्र है, यानी एक रेखा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर ये जो वक्र तो है, लेकिन ये दो वक्र हैं, प्लस साधारण वक्र यही है, यानी एक रेखा जब कहीं से चले, एट लास्ट में वो मिल जाए वक्राकार, ठीक, तो होती है साधारण वक्र। तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और ये सातवा। अब बात करते हैं साधारण बंद वक्र। अब बंद वक्र क्या होता है, जब एक रेखा कोई कहीं से चले, ठीक, ये है खुला वक्र, और जब कोई बंद हो जाए कहीं से भी, तो ये होता है बंद वक्र। तो बंद वक्र में भी वही आंसर है, क्योंकि देखिए ये बंद है पहला, और दूसरा भी बंद है, और पांचवा भी बंद है, और छठा और सातवा भी बंद है, ठीक, ये हमारी बंदाकृत हो जाएगी वक्र, ठीक। अब बात करते हैं बहुभुज की। तो बहुभुज क्या होता है, जिसमें तीन से अधिक भुजाएं होती हैं वो बहुभुज में आ जाता है, ठीक, त्रिभुज के बाद आ जाता है बहुभुज। अब बहुभुज देखते हैं इसमें कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो बहुभुज में है हमारा ये पहला, इसमें दो से अधिक है, ठीक, पहला है और ये दूसरा है, ठीक। अब दूसरे के बाद है हमारा ये वाला चौथा, ठीक। अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज और फिर अवतल बहुभुज। तो देखिए, हाई स्कूल में एक होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, बीच में उभरा हुआ होता है और किनारे पर पतला हुआ होता है। तो देखिए, यहाँ पर बीच में उभरा हुआ, किनारे पर पतला है, तो उत्तल बहुभुज हो जाएगा ये सेकंड वाला, ठीक। अब बात करते हैं अवतल बहुभुज में। तो अवतल बहुभुज में क्या होता है, अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, यानी बीच में पतला और किनारे पर मोटा। तो देखिए, ये बीच में पतला है, किनारे पर मोटा है, ठीक, और एक ये भी बीच में ये पतला है, ये बाकी किनारों पर मोटा है। तो अवतल में है पहला और चौथा, इस प्रकार से आप निकाल लोगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। तो कह रहा है एक उत्तल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज अभी हमने बताया था कि बीच में क्या होता है, मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, किसी भी प्रकार से बना लो। देखिए, ये बीच में मोटा है और ये किनारों पर क्या है, पतला है। तो ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, उत्तल चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में से चार भुजाएं हैं। अब कह रहा है इसमें कितने विकर्ण होते हैं। तो देखिए, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है किसी कोने से दूसरे कोने को जो रेखा मिलाती है उसे विकर्ण कहते हैं। तो एक विकर्ण ये हो जाएगा और दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। तो कितने विकर्ण हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा दो विकर्ण, यानी उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक सम खष्टभुज। सम मीन्स बराबर और खष्ट मीन्स छः, भुज माने भुजाएं, जिसकी छः भुजाएं बराबर हो उसकी बात चल रही है यहाँ पर, यानी उसमें कितने बन जाएंगे, ठीक। मान लो छः भुजाएं बराबर हैं। अब देखिए, इसमें विकर्ण कितने बनेंगे, अगर इस कोने से, देखिए एक तो ये विकर्ण बन जाएगा, इस कोने से इस कोने को मिला दिया, दूसरा विकर्ण ये बन जाएगा और तीसरा विकर्ण ये बन जाएगा। अब तीन विकर्ण तो बन गए। अब बात करते हैं इस कोने से भी हमारे कुछ विकर्ण बन रहे हैं, देखिए कौन कौन से, एक विकर्ण ये बन गया और एक विकर्ण ये बन गया और एक विकर्ण ये बन गया। तो टोटल विकर्ण कितने बने, एक दो तीन विकर्ण ये बने और एक दो तीन विकर्ण ये बने। अब देखिए,
इससे देखिए तीन तीन बन चुके हैं, यानी छह बन गए। अब इससे देखते कितने विकर्ण अभी बनेंगे। इससे देखिए एक विकर्ण ये बना नया, और एक नया विकर्ण ये बना, और ये ऑलरेडी बना, यानी दो और बन गए, यानी कितने हो गए देखिए, तीन, इससे तीन बने थे, फिर इससे तीन बने, और फिर इससे कितने बने, दो। अब देखते हैं, अब इससे एक बन जाएगा विकर्ण भी, देखिए कैसे, देखिए इससे ऑलरेडी बना है, इससे ये मिल जाएगा, ध्यान रखो, ठीक। यानी अब इसमें कितना बना, एक। अब इससे देखो ऑलरेडी तीनों बने हैं, तो हमारे कुल विकर्ण हो गए नौ, तीन तीन छः दो आठ एक नौ। तो यानी सम खुश खष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, नौ विकर्ण होते हैं। अब बात करते हैं एक त्रिभुज में, तो देखिए त्रिभुज जब हम बनाएंगे, ठीक, अब देखिए एक तो ये कोना है, अब इस कोने से दूसरे कोने में मिलाना, तो अब ये तो होगा नहीं, ठीक। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण लगभग होता है क्षेत्रफल के अंदर बनता है, ठीक। अब ये क्या है, ये तो अगर इस कोने से इस कोने को मिलाएं तो ये तो भुजा ही है, यानी ये हमारा इसमें विकर्ण कितने हो जाएंगे, इसमें एक भी विकर्ण नहीं रहेगा, यानी विकर्ण कितने हो जाएंगे, जीरो विकर्ण होंगे। प्रश्न तीसरा कह रहा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा, एक चतुर्भुज बनाए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। तो एक चतुर्भुज और बना के दिखाएंगे, सबसे पहले तो उत्तल चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। फिर कह रहा है बी को डी से मिला देंगे, जब बी को डी से मिला देंगे इसलिए कि हमको बताना है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब हमने इसको मिला दिया तो अब हमारा दो त्रिभुज बन गए, एक तो ए बी डी, ठीक, और दूसरा बनेगा कौन सा त्रिभुज, बी सी डी। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो सबसे पहले कोण ए, तो ए किस रेखा से बनी है, बी ए डी से, बी ए डी यानी कोण बी ए डी प्लस ए बी डी कोण ए बी डी प्लस बी डी ए या ए डी बी, कुछ आप कह सकते हैं ए डी बी, यानी जो कोण बताना है वो बीच में होना चाहिए बस। बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक, तीनों कोण कितने का होता है, 180 अंश का। अब बात करते हैं इस त्रिभुज की, तो यह हम मान लेते हैं एक प्रकार से समीकरण पहला, ठीक। अब बात करते हैं त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, अब बी सी डी में जब ज्ञात करेंगे तो अब इसमें देखिए सबसे पहले ये सी, यानी बी सी डी कोई भी आप पहले ले सकते हैं, यानी ये सी बीच में है, ये मेन है सी, और ये बी, अब देखिए बी कितना, ये पूरा नहीं इतना सिर्फ, तो ये इस रेखा से बी सी बी डी, सी बी डी, ये जो आगे पीछे अक्षर दिए होते इससे क्लियर हो जाता है, सी बी डी यानी ये इतना ही कोण, प्लस बी हो गया सी हो गया, अब ये वाला डी सिर्फ इतना, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, बी डी सी, बी डी सी, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये हुई वही नियम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक, तीनों कोणों का योगफल। अब बात क्या करते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण पहले और दूसरे को दें जोड़, समीकरण पहला प्लस समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण पहला और दूसरा, तो ए बी ए डी यानी ये वाला बी ए डी प्लस ए बी डी, ए बी डी प्लस ए डी बी, ए डी बी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण बी डी
सी बराबर 180 अंश प्लस 180 अंश। अच्छा अब देखते हैं, एक चीज अच्छे से समझना, कुछ कोणों को छोड़कर जैसे कोण ए और कोण डी को छोड़कर बाकी देखिए ये जो बी वाला है ये भी दो कोणों से मिलकर बना है और ये जो कोण डी वाला है ये भी दो कोणों से मिलकर बना है, यानी ये टोटल कोण जो होगा वो देखिए ए कोण और ये कोण जोड़कर बना है और ये जो बी वाला भी है ये दो कोणों को जोड़कर बना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये ए और ये सी वाला, तो देखिए ए और सी बीच में कहाँ है, ये वाला, ठीक, इसको एक पास में लिख लेंगे, यानी बी ए डी प्लस कोण बी सी डी, इनको एक पास में लिख लिया, यानी हमारा ये कौन कौन से लिख गया, यानी ये वाला लिख गया और ये वाला लिख गया, और बाकी जो एक दो तीन चार बचे इनमें दोनों के दो दो के पेयर ले लेंगे। पेयर कैसे समझिए अच्छे से, देखिए ये डी है और ये डी है, तो डी बीच में किसमें किसमें, एक तो ये है और एक ये है, तो ये दोनों आपस में साथ में लिख लो। अभी देख समझ लेना, ए डी बी, ए डी बी प्लस बी डी सी, ठीक, ये दोनों मिलकर, ठीक, अब ये हमने इसको पास में लिख लिया, अब बचा कौन, अब ये बी वाला बचा, यानी बी देखिए इसमें समझिए अच्छे से, सी बी डी प्लस ए बी डी, ए बी डी, ठीक, अब इसको इस प्रकार से लिख दें और ये कितना हो गया 360। अब ये हमने इस प्रकार से इसलिए लिखा क्योंकि बी ए डी तो ये कोण कौन सा है, कोण ए, और बी सी डी, बी सी डी यानी ये कोण कौन सा है, कोण सी, प्लस इसका समझिए अच्छे से ए डी बी यानी ये कोण और बी बी डी सी यानी ये कोण, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, कोण डी, प्लस इधर देखिए कोण सी बी डी, सी बी डी यानी ये वाला कोण और ए बी डी ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, कोण बी बराबर 360 अंश। अब अच्छे से समझो, अब कोण ए दिया है, कोण बी दिया है, कोण सी दिया है, कोण डी दिया है 360, यानी ये क्या हो गया, चारों कोण हो गए ए बी सी डी, यानी चारों कोणों का योग कितना आ गया 360। तो हम लिखेंगे, हाँ यहाँ पर कह रहा है यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा, हाँ यह गुण लागू होगा, यह गुण लागू होगा। और पहला क्वेश्चन है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, तो वो हम कहेंगे 360 अंश है, और फिर लिखेंगे हाँ यह गुण लागू होगा। अब लागू क्या, देखिए चतुर्भुज कैसा भी हो अगर उसमें चार भुजाएं हैं तो उनका योगफल हमेशा 360 होगा, कैसा भी हो, मतलब ये इस प्रकार से वक्र नहीं होता है, कोई भी सीधी रेखाओं द्वारा अगर चार रेखाएं हैं तो उन चारों कोणों का योगफल 360 अंश ही होता है। प्रश्न नंबर चार देखते हैं, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए, फिर कह रहा है और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा आकृति है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है, पंचभुज है, खष्टभुज है यानी छह भुजाएं हैं, पांच भुजाएं हैं, चार भुजाएं और तीन भुजाएं। तो सबसे पहले कह रहा था त्रिभुजों में बांटिए, तो देखिए जब इसमें त्रिभुज तो एक बना है तो उसका योगफल 180 अंश, यानी त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, और जब इसको हम इस प्रकार से बांट देंगे तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज, तो दो त्रिभुज हो गए, तो देखिए दो गुणे 180 अंश लिखा है उसने, यानी एक त्रिभुज का मान 180 अंश और दो से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 360 अंश। अगर चार भुजाएं यानी चतुर्भुज है तो उनके चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जितनी भुजाएं होती हैं उसमें से दो घटा देते हैं, अगर n भुजाएं हैं उसमें से दो घटा कर 180 अंश से गुणा कर दिया जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए ये चार भुजाएं थी उसमें से दो घटा दिया और 180 अंश से गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ पर पाँच भुजाएं थी, तो देखिए पाँच भुजाएं कितनी त्रिभुज बने, एक दो तीन त्रिभुज बने, एक दो और ये तीन त्रिभुज, तो तीन त्रिभुजों को 180 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 530
40 अंश। देखिए पाँच में से दो गया, जितनी भुजाएं थी उसमें से दो घटा दिया और 180 अंश से गुणा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर छः भुजाएं हैं तो छः में से दो घटाकर 180 अंश से गुणा कर देंगे। अब दो क्यों घटाते हैं, यानी दो त्रिभुज कम बनते हैं। देखिए एक त्रिभुज ये बना, दूसरा वाला ये वाला, और तीसरा ये त्रिभुज बना, और चौथा ये वाला त्रिभुज बना। ठीक, यानी चार त्रिभुज बने, उसको 180 अंश से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 720 अंश। अब अगला सवाल कह रहा है एक बहुभुज के कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है, यानी अगर सात भुजा हैं तब आप क्या कहेंगे। तो देखिए सात भुजा हैं, उसमें से कितना कम करेंगे, दो, फिर उससे गुणा किस संख्या से करेंगे, 180 अंश से। तो अब ये सात में से दो गया, कितना बचा, पाँच, और पाँच की 180 अंश से गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90, और एक ये जीरो बढ़ा लेंगे यानी 900 अंश आंसर आ जाएगा। आठ भुजाएं हैं, तो देखिए जितनी भुजाएं दी हैं उसमें से दो कम कर दो और 180 अंश से गुणा कर दो तो छः बचेंगे, 18 × 108, और एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब बात करते हैं अगर 10 भुजाएं हैं तो देखिए उसी प्रकार से लगेगा, 10 − 2, 10 में से 2 घटा लो फिर 180 अंश से गुणा कर लो, तो 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा, 8 को 180 अंश से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे यानी 1440 अंश। फिर अगर यन भुजाएं हैं, यन भुजाएं यानी जितनी भी भुजाएं हों उसमें से दो घटा लो और 180 अंश से गुणा कर लो, लेकिन अब यहाँ पर हमारा गुणा नहीं होगा, यहीं पर हम आंसर छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है सम बहुभुज क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं सम बहुभुज क्या है। तो सम मीन्स होता है बराबर, बहु मीन्स बहुत सी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा सभी कोण बराबर हों सम बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिसकी सभी कोण तथा सभी भुजाएं बराबर हो सम बहुभुज कहलाता है। सम बहुभुज कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजाएं हों। तो यहां पर हम लिखेंगे जब तीन भुजाएं होंगी तो तीन भुजाएं वाले को क्या कहते हैं। देखिए तीन भुजाएं जिसकी होती हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, ठीक, उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। फिर अगला कह रहा है चार भुजाएं जिसकी होती हैं, यानी चार भुजाएं वाला कौन सा होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक, चारों कोण 90 अंश के होते हैं वो, उसका नाम क्या होता है, वर्ग। फिर बात कर रहा है छः भुजाएं हों, तो देखिए जिसकी छः भुजाएं होती हैं उसका नाम होता है समखष्टभुज। सम इन समान, खष्ट इन छः भुजाएं, जिसकी छः भुज समान भुजाएं होती हैं वो होता है समखष्टभुज। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं निम्नलिखित आकृतियों में यक्ष कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला सवाल ए वाला देखते हैं और ये है हमारा डी वाला। तो ए वाला सवाल देखते हैं, ये है 50 अंश, ये है 130 अंश, ये है 120 अंश, तो हमसे पूछ रहा है ये वाला कोण कितना होगा। तो देखिए ये हमारा एक प्रकार से चतुर्भुज है, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, जब चार भुजाएं होती हैं तो चार भुजाओं को कोणों का योग होता है 360 अंश, तब 360 अंश होता है। तो देखते हैं ये 120 और 130 कितना हो गया, 120 और 130 से हो गया 250, और 250 में ये 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300। अब बचा कितना, तो जितना बचा यानी कितना बचा, अगर 60 और जुड़ जाए तो हमारा 360
पूरा हो जाएगा, यानी इसका जो योग होगा वो कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा, यानी ये जो यक्ष है इसका मान आ जाएगा 60 अंश। या अगर हम निकालें दूसरी भी स्थिति, देखिए यक्ष अंश प्लस 50 अंश प्लस 130 अंश प्लस 120 अंश, इन चारों का जोड़कर आना चाहिए 360। फिर यक्ष प्लस 120 ये कितना आया था, 250 और ये 300 बराबर 360। अब ये 300 उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी यक्ष का मान आ गया हमारा 300 घटाएंगे यानी 60 अंश, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60 अंश। अब बात करते हैं बी सवाल में, तो बी देखिए ये भी हमारा एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी यानी चार पॉइंट है, चतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये एक रेखी है, रेखी क्या होता है यानी कोई भी हो तो ये 180 अंश होता है। अब अगर इसमें एक कोण ये दिया हुआ है ये 90 का, तो दूसरा कितना आ जाएगा 90, क्योंकि 180 में से जब 90 घटाएंगे तो दूसरा आ जाएगा 90, यानी ये कोण हमारा क्लियर हो गया कि ये भी हमारा 90 का है। अब बात करते हैं, अब हमको पूछ रहा है ये यक्ष का, तो यक्ष का जब निकालेंगे तो यानी ये 90 और 60 और 70 और यक्ष, यानी इन चारों को जब जोड़ेंगे तो 360 होना चाहिए, यानी हम लिखेंगे 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस यक्ष, यानी तीनों को जोड़कर 360 होना चाहिए। अब इनको जब जोड़ते हैं तो कितना आया, 7 6 13 और 13 9 22, यानी 220 आ गया ये, और प्लस यक्ष, अब 220 आ गया तो 360 में से 220 घटा देंगे यानी जितना आ गया, अब कितना कम रह गया है, 140 अंश, 140 अंश, यानी यक्ष का मान ये आ जाएगा 140 अंश। अब बात करते हैं सी सवाल की, तो देखिए सी सवाल में कितने पॉइंट है, ए बी सी डी ई, यानी 5 पॉइंट है। तो इसका जब योगफल ज्ञात करेंगे, तो इससे पहले जो सवाल हमने ज्ञात किया था यानी जितनी भुजाएं हों उसमें से 2 घटा दो और 180 अंश से गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा 3 × 18 = 180 यानी 540 होता है, इनका टोटल योग हमको 540 चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, हाँ अब यहाँ पर समझिए, हमने अभी बताया था एक जगह जब कोई भी सीधी रेखा हो तो इसका योग 180 अंश होता है, यानी रेखी हो। अब अगर ये बाहर वाला 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, अगर ये 90 है तो दूसरा 90, यानी टोटल 180 होना चाहिए। तो ये हमारा 60 है तो ये कितना हो जाएगा, अंदर वाला 120 हो जाएगा, और इधर वाला भी देख लीजिए ये भी क्या है हमारे सरल रेखी, और ये कितना है 70 अंश, तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा 110 अंश, कितना आया ये 110 अंश। अब बात करते हैं, हमने बताया कि ये तीनों पांचों कोणों का योगफल कितना आना चाहिए 540, और तो हम लिखेंगे 30 अंश ये वाला और 110 अंश ये वाला और 120 अंश ये वाला प्लस यक्ष, दो बार लिखा यानी यक्ष प्लस यक्ष बराबर कितना आना चाहिए 540। अब देखिए ये आया कितना, 120 और 110 कितना होता है 230 हो गया, उसमें 30 और जोड़ दो कितना हो गया 260, 230 और 230 ये 260 प्लस यक्ष, यक्ष कितना हो गया 2x बराबर 540। अब 540 में से ये जो 260 आया है वो घटा दो कितना बचा 0, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचा 2 में 4 में से 2 गया 280 आया 2x, तो यक्ष का मान आ जाएगा 280/2 यानी 140 अंश। ठीक, तो यानी ये 140 अंश का हो जाएगा और ये भी हमारा 140 अंश का हो जाएगा। अब 140 140 280 अंश और इन तीनों का आया था 260 अंश, तो 260 अंश और 280 अंश इस तीन सबको जोड़ कर आ जाएगा 540, हमारा आंसर हो जाएगा 140 अंश। अब बात करते हैं डी पार्ट की, अब देखिए यहाँ पर हमने हमको पहले से पता है इनका योगफल कितना आता है, देखिए अच्छे से समझो, कितनी भुजाएं हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, जब 5 भुजाएं और पांचों भुजाएं बराबर हैं, बराबर ना भी होती तो भी इनका योगफल उतना आता, कितना देखिए 5 भुजाएं भी हमने इससे पहले निकाला था, यानी 5 भुजाओं में से 2 घटा देंगे 180 से गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा 3 और 180
कितना आ गया 540 अंश। अब जो 540 अंश है तो देखिए क्या होता है, जैसे त्रिभुज होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और पंचभुज होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जितनी भुजाएं होती हैं उससे भाग दे दो तो हमारा आ जाएगा 5 × 5 = 40, यानी ये x का मान आ जाएगा 108 अंश, यानी 108 अंश का ये कोण, 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 इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 7 कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर बी पार्ट कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है x और y प्लस जेड का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम x को ज्ञात करते हैं तो देखिए ये हमारा एक रैखिक समीकरण, रैखिक मीन्स होता है ये पूरा एक रैखिक है, तो ये टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, यानी x प्लस 90 इस दोनों को मिलाकर 180 अंश होना चाहिए, यानी x का मान आ गया हमारा, ये 90 उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 अंश। फिर बात करते हैं y के भी ना करके z की बात करते हैं, तो z प्लस 30 यानी इसको और इसको, यानी ये देखिए एक रैखिक है तो ये कितना होना चाहिए 180, तो इन दोनों को जोड़ कर आना चाहिए 180 अंश, तो z बराबर आ गया 180 - 30 यानी कितना आ गया 150 अंश, ये 30 अंश प्लस का है उधर जाएगा घट जाएगा। अब देखिए अच्छे से समझिए, अब ये x, अब ये जो y का मैटर समझिए, यहाँ पर ये वाला कोण कितने का होगा, या हम कह सकते हैं ये जो y होता है इन कोणों के योग के बराबर होता है, त्रिभुज के दो कोणों का योगफल उसके सम्मुख कोण के बहिष्कोण, यानी त्रिभुज के कोई भी दो कोण ले लो उसके दोनों कोणों का योगफल सम्मुख कोण के बहिष्कोण के योग के बराबर होता है, या आप दूसरी परिभाषा से समझिए, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक सिंबल ले लेते हैं मान लो टी, तो इसका अगर बात करें तो टी कितना हो जाएगा, देखिए ये 90 + 30 = 120 आ गया, यानी 90 + 30 + t यानी इन तीनों का योग फल 180 होता है, तो t बराबर हो जाएगा 90 + 30 = 120 उधर जाएंगे घटाएंगे कितना आ गया 60। लेकिन हमको अगर y ज्ञात करें तो y कितना हो जाएगा, अब अगर ये 60 है यानी ये कितना आ गया 60, तो ये y का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल होता है 180, तो 180 में से ये 60 घटा दो यानी y का मान कितना आ गया 120। अब हमको कह रहा था x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का मान 90, y का मान 120 और z का मान देखिए यहाँ पर 150, तो ये कितना आ गया 0, 5, 2, 7 और 9, 7 = 16 और हासिल आया 1, 360 अंश, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की, तो सबसे पहले जब हम x ज्ञात करेंगे तो देखिए x बराबर हो जाएगा, ये क्या है रैखिक है, रैखिक में क्या होता है इसका योग 180 अंश होता है, तो x बराबर हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 180 में से 120 घटा दो यानी कितना आ गया 60, अब सामने लिख देंगे रैखिक। ठीक, अब बात करते हैं x हो गया, अब y की बात करें तो y भी अच्छे से समझो, ये क्या है एक प्रकार से रैखिक, और ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो अंदर है 80 तो 180 - 80 यानी 180 में से जब 80 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 100 अंश, यानी ये 80 अंश है ये 100, यानी दोनों को मिलाकर 180 अंश हो जाएगा। अब बात करते हैं z की, तो z देखिए ये अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 120, क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार से एक रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए टोटल, तो टोटल में से ये जो दिया हुआ है 60 अंश इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 120 अंश। फिर कह रहा है w, हाँ अब बताइए w के बारे में अच्छे से सोचिए, ये 120 है ये 80 है, तो 120 और 80 कितना हो गया 200, और ये कितना है 60, तो कितना हो गया 260। अब कोई भी जब चतुर्भुज हो, ये क्या है हमारा एक प्रकार से चतुर्भुज हो, तो उसके चारों कोणों का योगफल होता है 360, लेकिन हमारा कितना है 260, तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी ये जब 100 पूरा हो जाएगा तो आ जाएगा 360। अब बात करते हैं जो W की,
तो देखिए W अच्छे से समझिए, ये हो जाएगा, ये एक प्रकार से रैखिक है, तो 180 में से ये जो अंदर वाला 100 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। तो अच्छे से समझो, x का मान कितना है 60 अंश, y का मान 100 अंश और z का मान 120 अंश और 80 अंश, w का मान 80। तो 120 और 80 इसको जोड़ो 200, और 200 में ये 300, और ये कितना आ गया 60, यानी ये कितना आ गया टोटल 360 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज 3.1 द इंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। लाइक करने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।